हरियाणा के पलवल में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाकी सरकारों में शहीदों को वैसा मान सम्मान नहीं दिया जाता जैसा कि दिल्ली सरकार शहीद परिवारों को मान सम्मान देती है। और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। दूसरा, दिल्ली के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति शहीद होता, हम तो अपने से ही उदाहरण उसका देंगे, कोई भी सैनिक शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिल्ली की सरकार देती है। तो ये हमारी पहले भी मांग रही जब भी, क्योंकि शहीद बॉर्डर पर जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से देश के अंदर आतंकवाद है, इंसर्जेंसी है, कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती हैं। वैसे तो सरकार कहती थी हम इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन लगता नहीं है पहले से, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे घटनाएं लगातार ज्यादा बढ़ी हैं। और ऐसे में हरियाणा सरकार को भी पहल करते हुए कम से कम 1 करोड़ और ज्यादा जितना भी वो मुआवजा घोषित कर सकते हैं वो।